So this is the very next topic in the chapter surface chemistry and it is factors affecting adsorption. Last videos में हमने adsorption क्या है, कितने तरह का है और उन दोनों में difference जो दो types पढ़े थे adsorption के देख लिया था. Now we will see what are the factors, वो कौन से factors हैं जिन पे adsorption depend करता है, उनको detail में discuss करेंगे. So there are total four factors on which adsorption depends. पहला है nature of adsorbent. एड्सॉर्बेंट क्या था, वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन होता है उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं, राइट. तो सपोजिंगली मैं आपको अगर रिकॉल करवाऊं तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस पर, ठीक है, किसी दूसरी चीज का आकर अटैच होना एड्सॉर्प्शन कहलाता है. तो जिस चीज पर, जिस चीज के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है वो जो है एड्सॉर्बेट कहलाती है, सॉरी एड्सॉर्बेंट कहलाती है, और जो चीज आकर इस पर अटैच होती है या चिपकती है उसे हम एड्सॉर्बेट कहते हैं. इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं, तो आई होप आपको डाउट नहीं है. मैंने जस्ट रिकॉल करवाने के लिए ये बताया. सो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होना है उस सरफेस का नेचर बहुत हद तक एड्सॉर्प्शन पर असर डालता है. कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे. फिर जो आकर सरफेस पर अटैच हो रहा है जो कि एड्सॉर्बेट है उसका नेचर भी एड्सॉर्प्शन पे इफेक्ट डालता है. तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर, जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोथर्म पढ़नी है, दैट इज फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. और लास्ट एंड द फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर. सो द ऑर्डर ऑफ स्टडी विल बी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड देन थर्ड, क्योंकि टेम्परेचर का ग्राफ समझ आएगा तभी इसकी मदद से हम प्रेशर का जो फैक्टर है उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो लेट अस डिस्कस ऑल द फैक्टर्स वन बाय वन. द फर्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट क्या था, वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन होता है. सो एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, ये हम सब, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पहले के वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं. सो एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है. और हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना बड़ा सरफेस अवेलेबल होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा. सो वी कैन से दैट सरफेस एरिया अवेलेबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. सो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन, लेसर द सरफेस अवेलेबल लेसर विल बी एड्सॉर्प्शन. सो वी टेक फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड एड्सॉर्बेंट. ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप बहुत बड़े बड़े लम्ब्स ले लें और उन्हें एड्सॉर्ब कराने की कोशिश करें, जैसे मान लें चारकोल का एग्जाम्पल लेते हैं. सो चारकोल के अगर बड़े बड़े टुकड़े ले लें और उस पर जो है किसी चीज का एड्सॉर्प्शन कराने की कोशिश करें तो सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन अगर उसी को पीस के पाउडर बना दें तो एक एक पार्टिकल अलग हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो जो मास्क आते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोल माइन में जो लोग होते हैं उनको मास्क दिया जाता है जो मुंह और नाक को ढकने के लिए होता है, उसमें चारकोल भरा होता है, तो वो पाउडर्ड चारकोल भरते हैं क्योंकि जितना पाउडर्ड चारकोल होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना. सो इसीलिए फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट यूज करें तो सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिलेगा. देन सरफेस एरिया का नेचर कैसा होना चाहिए, आपको ये भी मालूम है कि स्मूथ सरफेस अगर है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, जबकि रफ जो सरफेस होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. तो एड्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाता है अगर सरफेस एरिया रफ हो, क्योंकि रफ सरफेस एरिया में जो है क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स एड्सॉर्प्शन इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. यूजुअली जो एड्सॉर्ब होने आती हैं सरफेस पर एड्सॉर्बेंट के, वो गैसेस होती हैं, ठीक है. तो जो गैसेस हैं वो गैसेस एड्सॉर्ब होंगी जो लिक्विफाई हो सकती है, मतलब जिन गैसेस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करने कर वो ही जो है वो क्या होंगी, एड्सॉर्ब होंगी. सो बेसिकली कौन सी गैसेस लिक्विफाई होंगी, वो गैसेस जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. सो द गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड आर इजिली एड्सॉर्ब्ड. वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो वो बहुत आसानी से लिक्विफाई होंगी. देखिए यहां पर दो बातें हैं जो आपको समझनी है, वो गैस एड्सॉर्ब होगी जो लिक्विफाई जल्दी होगी, और लिक्विफाई जल्दी कौन होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो,
तो ये इंटरडिपेंडेंस है। एड्सॉर्ब कौन सी गैस ज्यादा होगी? जो जल्दी लिक्विफाई हो। लिक्विफाई जल्दी कौन होगी? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? सो क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी और उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो एड्सॉर्ब होगी। सो ये दो जनरल टॉपिक्स थे, दो जनरल फैक्टर्स थे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जिन पर जो है बहुत ज्यादा हद तक एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब हम जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर पहले फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर हमें क्या पढ़ना है, इस पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब है सेम और थर्म का मतलब है कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। आइसो मीन सेम, सो सेम टेम्परेचर पर होने वाली चीज। तो जो हमें आइसोथर्म पढ़ना है इसीलिए, और वो आइसोथर्म प्रेशर रिलेटेड है, ठीक है, प्रेशर डिपेंडेंट है। तो पहले हम इस टेम्परेचर के इफेक्ट को समझेंगे, तब जाकर प्रेशर का इफेक्ट हमें समझ आएगा। इसीलिए हम टेम्परेचर को पहले समझेंगे एज अ फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, और फिर हम उसे यूज करके प्रेशर का फैक्टर समझेंगे। सो लेट्स सी हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। हमें पहले से मालूम है, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जब एड्सॉर्प्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। और हमें ये भी पता है कि ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। कोई भी प्रोसेस जो है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छी होती है, एट लो टेम्परेचर। सो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम, इफ वी इंक्रीज, हमने फिजिक्स ऑप्शन में पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हो सकता है डिसॉर्प्शन हो जाए। डिसॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट। इसमें मैं एक बहुत जनरल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिया था, कि अगर मैंने एक पत्थर को पानी में डाला है और पानी कहाँ लग गया? पत्थर के सरफेस पे। तो पत्थर क्या हुआ आपका? स्टोन। स्टोन इज योर एड्सॉर्बेंट, और उस पर जो पानी चिपक गया वो है एड्सॉर्बेट। अब ये गीला हो गया पत्थर, ठीक है, तो मान लें कि पत्थर जो है पत्थर के सरफेस पे एड्सॉर्बेट आके लग गया है जो कि पानी है। अब आप इसे धूप में रख दो पत्थर को, या फिर आप इसे गर्म कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? पानी वापस निकल जाएगा, यानी एड्सॉर्बेट वापस चला गया। कब चला गया? जब आपने उसे गर्म कर दिया, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया, ये वो डिसॉर्प्शन हो गया। डिसॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का उल्टा, जो चीज एड्सॉर्ब हुई है वो वापस निकल जाए तो डिसॉर्प्शन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो एड्सॉर्प्शन जो है वो घट जाता है। एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन घट जाता है। बेसिकली अब हम एक रिलेशन यहां बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको दो वर्ड्स यूज करके समझाया, एक था एड्सॉर्प्शन और दूसरा था डिसॉर्प्शन। सो जब आप एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी एड्सॉर्प्शन को खत्म करके डिसॉर्प्शन बनाना चाहते हैं, यानी एड्सॉर्प्शन, जो चीज एड्सॉर्ब हुई है वो वापस निकल जाए और डिसॉर्प्शन हो जाए, तो इस समय जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होगी, यानी आपको एनर्जी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी विल बी नीडेड। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? डेल्टा एच माने एनर्जी के लिए, हीट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग हीट रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज्ड, या सॉरी, इट हैज टू बी एनर्जी नीडेड, इसीलिए पॉजिटिव का निशान है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, कब नेगेटिव होगा? जब आप डिसॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन की तरफ जाना चाहें, कि आप फिर से आप एड्सॉर्प्शन कराना चाहते हैं, तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको? हीट जो है रिलीज होगी, तब एड्सॉर्प्शन होगा। क्योंकि एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है? एड्सॉर्प्शन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर आपको इधर से इधर जाना है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन कराना है तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। आप एनर्जी देंगी तब वो प्रोसेस होगी। सो आई होप आपको इतना क्लियर है। नाउ लेट्स सी, सो अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमने अभी कहा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो है एड्सॉर्प्शन किसी भी गैस का क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
है ना, यानी इनवर्स का रिलेशनशिप है। तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बनाएं, तो हमें वो ग्राफ कैसा मिलेगा? देखें, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। मैंने टेम्परेचर रखा 195 केल्विन, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन फिर वो कांस्टेंट हो गया। ये कब हो रहा है? 195 केल्विन पे। अब अगर यही टेम्परेचर बढ़ाकर मैं 244 केल्विन कर दूं, तो ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घट गई, ठीक है। और अगर मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोजिंगली मैंने टेम्परेचर 293 केल्विन कर दिया बढ़ाकर, तो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन और कम हो गया, राइट। तो यहां पर इस ग्राफ से हमें यह समझ में आता है कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देने पे क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस डिक्रीजेस, घट जाता है ऑन एनी सरफेस ऑफ ऑन एनी सरफेस, जिस भी सरफेस पे आप एड्सॉर्प्शन करा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ने पर एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाई एम इज डिक्रीजिंग। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है, ये तो टेम्परेचर से रिलेशन बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए बढ़ती हुई टेम्परेचर की वैल्यू के साथ एड्सॉर्प्शन की क्वांटिटी क्या हो रही, कम हो रही है। यहां पर जो है एक और फैक्टर देखना है कि अगर प्रेशर की हम बात करते हैं, ये तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमें समझ आ गया ग्राफ से बिल्कुल बहुत अच्छे से कि टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाई एम कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, देखिए होता यूं है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गैस एड्सॉर्ब हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या किसी सरफेस पर चिपकी रहेगी, वो तो निकल के भाग जाएगी दूर, है ना। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, क्योंकि अधिकतर गैसेस का एड्सॉर्प्शन होता है सॉलिड सरफेस पे। तो जब गैस जो एड्सॉर्ब हुई है, जो आकर सॉलिड के सरफेस पे बैठी है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स को आपने हीट कर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो मूव करने लगेंगे तेजी से, तो फिर अब वो एड्सॉर्ब नहीं होंगे और इसकी बजाय वो क्या करेंगे, वो दूर भागेंगे। सो बेसिकली अगर इसे प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखें, ऑल दो प्रेशर पे तो बहुत बड़ा फ्रुनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें पढ़ना है, बट स्टिल अगर प्रेशर बढ़ाएं तो एड्सॉर्प्शन जो है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ता चला जाता है। यानी प्रेशर से टेम्परेचर के कंपैरिजन में उल्टा रिलेशनशिप है, बढ़ते टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन घट जाता है लेकिन बढ़ते प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर इनवेरिएबली बढ़ा सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट ऑफ प्रेशर के बाद एड्सॉर्प्शन कॉन्स्टेंट हो जाता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस हाउ प्रेशर अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे उसमें फोर्थ था टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर पहले पढ़ा क्योंकि इस ग्राफ की हमें फिर से जरूरत प्रेशर समझते समय पड़ेगी। सो द फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स एड्सॉर्प्शन इज प्रेशर। सो इस प्रेशर फैक्टर पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोथर्म पढ़ना है, एंड दैट आइसोथर्म इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म वर्ड यूज कब होता है, आपने लास्ट ईयर आइसोथर्मल प्रोसेसेस पढ़े थे, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो आइसोथर्मल कहलाते हैं। तो आइसो का मतलब है सेम, थर्म माने टेम्परेचर। सो अब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर प्रेशर का असर पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन पर, और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर का इफेक्ट जब हम एड्सॉर्प्शन पे पढ़ेंगे तो जो हमें रिलेशन मिलेगा वो फ्रुंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाएगा। सो 1909 में देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज फ्रुंडलिच। कब? 1909 में। इन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है जैसे कि एनसीईआरटी में लिखी है, सो इट इज फ्रुंडलिच इन 1909 गेव एन
इम्पिरिकल रिलेशनशिप, इन्होंने एक रिलेशनशिप दी, ही गेव एन इम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू थिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट गेव द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, और वो टू थिंग्स क्या थी, द क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी गैस की जो है वो एड्सॉर्ब हुई, बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. पर्टिकुलर टेम्परेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर आपको आइसो रखना है, सेम रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है थ्रू आउट द स्टडी. सो फ्रिंडलिच ने 1909 में एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर. किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप था, कितनी गैस एड्सॉर्ब्ड हुई है एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे और कितने प्रेशर पे हुई है, इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिया और उसे कहा फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अब इन्होंने जो रिलेशनशिप दी थी उसे हम एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर वो इक्वेशन आई कैसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं. तो फ्रिंडलिच ने कहा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब को हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं, माने कितना एड्सॉर्प्शन हुआ. सो ही सेड द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ अ गैस. इसको ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा इसको मैं ये जो बोल रही हूं ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ अ गैस. इसको कैसे समझेंगे, अगर मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊं. सपोज ये कोई सरफेस है, दिस इज योर एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस है जिसपे एड्सॉर्प्शन होना है. तो सपोजिंगली गैस मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और ये जो ब्लू बबल्स मैंने बनाए हैं ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. और इस गैस की कितनी क्वांटिटी इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर चिपकेगी या एड्सॉर्ब होगी उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्स क्या है, एक्स इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन माने कितना एड्सॉर्प्शन हुआ, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से. सो ध्यान देना है आपको यहां पर कि एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, ठीक है, ऑन मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट. यानी ये एक्स किस पर एड्सॉर्ब हुआ है, इस एड्सॉर्बेंट पर. तो X क्या है, गैस का मास, और M क्या होगा, एड्सॉर्बेंट का मास, ठीक है. और जब हम इसे X by M लिख देंगे तो इस X by M में X क्या है, X क्या है, X is the mass of gas, X is mass of gas, जो गैस डिजोल्व हुई, यानी एड्सॉर्बेट का मास, एड्सॉर्बेट, और एड्सॉर्बेट कौन है, गैस. तो X is mass of gas या एड्सॉर्बेट, और M is what, M is mass of एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट यानी जिसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है. तो एक्स और एम आपको समझ आ गया, लेकिन एक्स इंडिपेंडेंटली ये है और एम इंडिपेंडेंटली ये है. जब हम इसे एक्स बाई एम लिखते हैं, अकेला एक्स क्या है, मास ऑफ गैस, अकेला एम क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, लेकिन हमने जब इसे एक्स बाई एम लिखा तो ये बताते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि कितना मास ऑफ एड्सॉर्बेट यानी कितना एक्स एड्सॉर्ब हुआ कितने एम के ऊपर, है ना. तो जब हम x का चिपकना m पर देख रहे हैं तो इसे कहेंगे कितना एड्सॉर्प्शन हुआ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. सो x बाई m से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ यू सी, आपको x और m का मतलब समझ आ गया है. अब अगर हम x बाई m का रिलेशनशिप देखते हैं तो ये रिलेशनशिप है x बाई m इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन,
दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसा फ्रिंडलिच ने कहा। जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ा था, जो मैंने लिख कर दिया था, वो क्या था, वो फिर से सुनिए। वो था द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो कि क्या होती है, एक्स बाई एम, किसी भी गैस का पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उनके जो स्टेटमेंट था, उनका जो स्टेटमेंट था, उसका मैथमेटिकल मीनिंग तो यही निकल रहा है ना, इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो उस रिलेशनशिप में एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहां हम कांस्टेंट ले लेते हैं के और प्रेशर को रिप्रेजेंट कर देते हैं पी से, राइट। तो ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई विद कांस्टेंट। अब यहां पे देखिए, यहां पर कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे पी की पावर 1/n आएगा, ये मैं बताऊंगी कि क्या होता है बाद में। लेकिन अब देखिए यहां पे पी के और 1/n या केवल n, ये कांस्टेंट्स हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कैसा एड्सॉर्बेंट का सरफेस है, एड्सॉर्बेंट कैसा है और गैस कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा क्या क्या, आपका के, पी और एन, राइट। ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे और ये किस पर डिपेंड करेंगे, एड्सॉर्बेंट के नेचर पे और गैस के नेचर पे। अब जो रिलेशनशिप है वो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व वेयर मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर, यानी कि अगर अब हम फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो लेट्स सी नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर, जो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए पहले लिया था, वही चीजें हैं। एक्स एक्सिस पे प्रेशर है और वाई एक्सिस पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो हमें जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लें टेम्परेचर 195 केल्विन है, कुछ ऐसा ग्राफ मिला था। सो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है आपने बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज एक्स बाई एम एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, ये आपको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मिला है, ठीक है। अब जो आपने ये रिलेशनशिप निकाली थी, जैसे आप इक्वेशन वन बोल रहे थे, यहां पर मैंने आपको हर चीज का मीनिंग बता दिया था। अब ये जो कर्व मिल रहे हैं आपको, ये फिक्स्ड प्रेशर पे मिल रहे हैं, है ना। अब यहां पर ये फिक्स्ड प्रेशर नहीं है, सॉरी, फिक्स्ड टेम्परेचर पे मिल रहा है ये कर्व आपको। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये जो कर्व है ये इंडिकेट करते हैं कि अगर एट अ फिक्स्ड प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अगर प्रेशर फिक्स हो जाए तो एड्सॉर्प्शन क्या करने लगेगा, घटने लगेगा। और कब घटता है एड्सॉर्प्शन, जब प्रेशर बढ़ रहा हो, है ना। सो दीज कर्व ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। तो आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट के बाद, यहां तक तो एड्सॉर्प्शन की क्वांटिटी बढ़ी, मगर यहां के बाद जो है प्रेशर बढ़ाने पर भी जो है क्या हो रहा है, क्या होगा, ग्राफ जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। सो यानी ऐसा नहीं कि हमेशा प्रेशर बढ़ाते जाइए तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, नहीं, कुछ हद तक ऐसा होगा। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कुछ सर्टेन पॉइंट तक एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के साथ बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद भले प्रेशर बढ़ जाए लेकिन क्या होगा, एड्सॉर्प्शन की वैल्यू में सैचुरेशन आ जाएगा, इस ग्राफ का ये मतलब है। नाउ अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन की दोनों साइड्स लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेने पर ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, सो 1/n लॉग पी, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा लॉग लेने पर। सो बेसिकली जो वैलिडिटी है फ्रुनलुच के आइसोथर्म की, इट कैन बी वेरीफाइड। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये आइसोथर्म कितना एप्लीकेबल है, किस प्रेशर तक एप्लीकेबल है, और जो ये कहना चाह रहे हैं वो कितने प्रेशर तक सही है, तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगेन हमने यहाँ एक्स बाई एम वर्सेज प्रेशर प्लॉट किया था, अब हम लॉग एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी प्लॉट करते हैं एंड लेट्स सी द ग्राफ। सो ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर टू, this was equation number 2 in which we have taken log on both the sides of equation 1, hai na. So if we plot a graph between log x upon m, log x upon m ko humne y axis pe le liya hai aur log p ko humne x axis pe liya hai, to agar hum validate karna chahte hain, hum validity check karna chahte hain Fruhnlich adsorption isotherm ki, to agar log x upon m aur log p ke beech mein hame straight line milti hai
तो ही जो है हम कह सकते हैं कि फ्रुनलुच आइसोथर्म वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। जो इसका स्लोप मिलता है हमें, दिस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है उसकी वैल्यू 1/n है, राइट। इसीलिए लिखा है स्लोप इज इक्वल टू 1/n। और जो इंटरसेप्ट मिला है आपको वाई एक्सिस पर, दैट रिप्रेजेंट्स द लॉग की। फ्रुनलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन करती है एड्सॉर्प्शन के बिहेवियर को प्रॉपरली, ठीक है। और जो ये फैक्टर है आपका n, ये 1/n फैक्टर की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में, एंड प्रोबेबल रेंज इज 0.1 to 0.5। इसीलिए इक्वेशन जो आपकी सेकंड है, इट होल्ड्स ओवरऑल लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है ऐसा नहीं है कि आप इनवेरिएबली बढ़ाते जाएं और एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। जनरल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन अभी आपने ऊपर वाले ग्राफ में भी देखा था कि ऐसा नहीं है कि प्रेशर आप बढ़ाते ही चले जाएं, प्रेशर बढ़ाने पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सर्टेन समय के बाद जो है वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यही बात ये आइसोथर्म भी प्रूव करती है। सो अगर 1/n की वैल्यू 0 आती है, सपोजिंगली मैंने कहा 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, सो अगर 1/n की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब हुआ कि x/m कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया। जब x/m कांस्टेंट हो जाएगा, n/1/n की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन जो है वो आपका एड्सॉर्प्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, जबकि अगर 1/n की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बात की थी, तो x/m की वैल्यू जो है वो kp के बराबर हो जाएगी। और दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि इस समय पर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा, है ना। यही रिलेशन तो हमने पढ़ी थी। और यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर। सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है इट वेरीज विथ प्रेशर, दैट टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है। ओके, नाउ यू सी इन दोनों कंडीशंस में, ये है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। इन दोनों कंडीशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो रिजल्ट्स समझ में आते हैं वो ये समझ में आते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला था कि प्रेशर के साथ जो है एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन जो ऊपर वाला ग्राफ हमने देखा था x/m वर्सेस p के बीच में, उसमें एक सर्टेन रेंज के बाद प्रेशर बढ़ाने पर भी एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो रहा था। सो ये जो है आइसोथर्म ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन, ये एक सैचुरेशन पॉइंट दिखा देती है हाई प्रेशर पे। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय फ्रुनलुच आइसोथर्म कि ऐसा क्यों होता है। सो फ्रुनलुच आइसोथर्म जो है वो फेल हो जाती है एट हाई प्रेशर, यानी इन्होंने कहा था फ्रुनलुच ने कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी प्रेशर बढ़ाते जाइए तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका एक लिमिटेशन सामने आया कि कुछ फिक्स टेम्परेचर पर कुछ ही प्रेशर तक ये बढ़ेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि यहां हमें क्या समझ में आता है कि इट डजंट होल्ड गुड और द करेक्ट एट ऑल द प्रेशर, यानी बहुत हाई प्रेशर पे जो है ये कांस्टेंट हो जाता है x/m, और जो है यानी एड्सॉर्प्शन की एक्सटेंट कांस्टेंट हो जाती है एक नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर के बाद, कुछ समय तक तो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है, फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि फ्रुनलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हायर प्रेशर पर काम नहीं करती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन, एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच यू हैव स्टडीड, फ्रुनलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वेयर यू हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर at constant temperature on the extent of adsorption. So I hope ये आपको समझ आया। Thank you for watching.